तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स बहुत बढ़िया हो। तो आज की इस वीडियो में हमने बनाए, देख सकते हैं दोस्तों, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर देख सकते हैं, एक नंबर डिज़ाइन है और ये कुछ इस तरह से लगता है, देख सकते हैं। ये पीछे हमने लगाया है एक बटन, चार्जिंग मॉड्यूल मतलब चार्जिंग जैक दोस्तों, और दो LED इसलिए लगाई है जब हम इसे चार्ज करेंगे तो रेड लाइट ग्लो हो जाएगी और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ग्रीन लाइट ग्लो हो जाएगी दोस्तों। बहुत एक नंबर स्पीकर है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। एक नंबर है, आवाज है और बहुत बढ़िया आवाज है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो कि अगली वीडियो में क्या चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। चलो चलते हैं टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर दोस्तों। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे अपने चैनल पे कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर बनाओ, न्यू डिज़ाइन ब्लूटूथ स्पीकर बनाओ, बढ़िया सा स्पीकर बनाओ, हेडफोन बनाओ, मतलब बहुत कमेंट आ रहे थे। उसी को कमेंट के पिक करके हम बना रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर। ये देख सकते हैं PVC पाइप को काट के हमने शीट बना ली है, कुछ इस टाइप से थोड़ा सा हम टेढ़े लुक में बनाएंगे जिससे लुक बढ़िया आए। और आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। हम क्या करेंगे दोस्तों, फेविक्विक की मदद से हम इसको अच्छी तरह जोड़ देंगे। हमने कर दी इसकी स्पीड थोड़ी मतलब 4x कर दी है, क्योंकि वीडियो देखने में मजा आना चाहिए। और ज़रूर से लाइक कर दे करो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक कर दे करो। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमने जोड़ दिया है, फिर ये दो पार्ट्स हम आगे पीछे जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं हमने इसको जोड़ दिया और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल अच्छी तरह फिनिशिंग कर दी है सैंड पेपर रेक बार की मदद से दोस्तों। कुछ इस टाइप से हमने इसकी फिनिशिंग कर दी है। फिर हम लेंगे एक ब्लैक स्प्रे पेंट जो आपको बाइक वाली शॉप पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी हमने स्पीड कर दी है 4x, जिससे ये थोड़ा लंबा ना हो। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। फिर हम लेंगे 5 वोल्ट के स्पीकर, दो स्पीकर ले रहे हैं दोस्तों, इसमें प्लस माइनस जीवन होता है कंपनी की तरफ से। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर हमें जोड़नी है वायर। इस पर प्लस माइनस तो मैंने आपको बता दिया, कंपनी की तरफ से मेंशन होता है, हम इस पर वायर जोड़ देंगे। और दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो कि आपको अगले प्रोजेक्ट में कौन सी वीडियो चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। ये देख सकते हैं, और दोस्तों इसमें बहुत इजी कनेक्शन है, अगर समझ नहीं आते तो मैं वो कमेंट बॉक्स में कह रहा हूँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको सोल्व कर दूंगा दोस्तों। आप कभी पूछते नहीं हो इसलिए मैं क्या कहूँ, अगर पूछोगे तो उसी टाइम सोल्व कर दूंगा दोस्तों। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और 1K पे हम पहुँचने वाले हैं, मतलब थोड़े से तो रहते हैं, यू भी नहीं एकदम पहुँचेंगे, थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं, प्लीज़ जल्दी से 1K पे पहुँचा दो मेरे भाइयों। जो 1K पे पहुँच गए तो जल्दी से भाई आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लाऊंगा। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमने स्पीकर पे हमने जोड़ लिया है दोनों वायर प्लस माइनस के हिसाब से, इस स्पीकर पे भी जोड़ लेंगे दोस्तों। फिर देख सकते हैं कुछ ब्लैक कलर करके इसमें लुक कुछ एक नंबर डिज़ाइन से आया है, ये देख सकते हैं दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो स्पीकर होता है उसको हम ग्लूगन की मदद से जोड़ लेंगे। आप फेविक की मदद से जोड़ लेते हो, पर ग्लूगन की मदद से इसलिए जोड़ रहा हूँ, अगर ये थोड़ा बहुत सा गलत कटा हुआ इसका होल, फिर स्पीकर की आवाज़ ज़रा सी बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे फटी फटी आवाज़ आएगी, इसलिए हम यहाँ पर ग्लू भर रहे हैं जिससे सारी स्पेस जो है सारा ऑक्यूपाई हो जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, 1K पे रीच मतलब पहुँचने वाले हैं, और मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए। कुछ इस टाइप से हमने स्पीकर जोड़ लिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं, हम इसको दूसरे स्पीकर को भी जोड़ लेंगे। फिर हम लेंगे कि PAM 8403 बोर्ड, बहुत ईजी कनेक्शन है, हर वीडियो में बताता हूँ पर इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। वैसे हर वीडियो में बताता हूँ पर उस मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा दोस्तों, आपको समझ आना चाहिए। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत बार बोल दिया, प्लीज़ यार बिल्कुल फ्री की चीज़ होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो, वीडियो को लाइक कर दे करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है हर प्रोजेक्ट बनाने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे करो। और अब टॉपिक चेंज कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर के जो कनेक्शन है इसको हम जोड़ लेंगे। रेनबो वायर लेंगे, इसके अंदर एल ग्राउंड और दोस्तों ये देख सकते हैं तीसरी वायर भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कुछ इस टाइप से तीनों वायर अच्छी तरह जुड़ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, दो वायर और लेंगे, वो हम इधर लगा देंगे, जो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, जो दो पॉइंट साइड में रखे हैं उसके वहाँ पे हम लगा देंगे, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। और कनेक्शन नहीं समझ आते, दो तीन बार बहुत बार कह दिया कि दोस्तों आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।
ये देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे भी वायर जोड़ देंगे। थोड़ी सी सोल्डरिंग में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, बस सोल्डरिंग में प्रॉब्लम आती है। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने जोड़ ली है। फिर ये जो तीन पॉइंट है ब्लूटूथ चिप में भी आपको यही सेम तीन पॉइंट दिखेंगे। और जहाँ पे हमने एक वायर मतलब सामने सामने बिल्कुल वायर जोड़नी है, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे वायर नहीं जोड़नी, बिल्कुल सामने सामने जोड़नी है। और दोस्तों कोई भी अगर गलत निकल जाता है, मतलब गलत गाली गुली नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गलत निकल जाता है उस उठपटांग सा दोस्तों, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि दोस्तों लगातार बोलना पड़ता है वॉइस ओवर में, इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं दोस्तों आपको। बस कुछ इस टाइप से इसके कनेक्शन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी है। फिर जो एम्पलीफायर के बोर्ड के पीछे जो जहाँ पे हमने दो वायर जोड़ी थी वहाँ पे दो वायर और जोड़ देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से हम जोड़ देंगे। और जल्दी से अपने चैनल पे कमेंट कर दो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए अगली वीडियो में। मैं दोस्तों वैसे हेडफोन बनाने की सोच रहा हूँ, हेडफोन का सामान थोड़ा बहुत पड़ा है, मतलब पड़ा है दोस्तों मेरे पे हेडफोन का सामान, उससे मैं हेडफोन बनाने की सोच रहा हूँ। फिर आप बता सकते हो कि आपको कौन क्या चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों एम्पलीफायर बोर्ड में चार पॉइंट दिए होते हैं, दो उधर दो इधर, वहाँ पे हम प्लस माइनस स्पीकर की जोड़ देंगे। रेड वहाँ पे कंपनी की तरफ से प्लस माइनस गिवन होता है, वहाँ पे प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस बहुत आसानी तरीके से हम जोड़ देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो वीडियो में थोड़ा सा एंटरटेन होना चाहिए, कॉमेडी वगैरह होनी चाहिए जब वॉइस ओवर कुछ भी हम बोल रहे होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए तो मैं करूँगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है और आप जैसा कंटेंट देखना चाहोगे वैसे ही आएगा दोस्तों। और कुछ इस टाइप से हम इसके कनेक्शन कर देंगे। थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आती, पर सोल्डरिंग करने में थोड़ी बहुत ही मेरे को प्रॉब्लम आती है दोस्तों। कोई नहीं, सारे बिगिनर ही होते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं, मैं भी बिगिनर ही हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हम प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस हम बहुत आसानी तरीके से जोड़ देंगे। और हमने जो स्पीड है 2x कर दी है, क्योंकि दोस्त थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर आपको हर चीज़ बारीकी से दिखानी है, फिर करना तो पड़ेगा दोस्तों। कुछ इस टाइप से हम इसको जोड़ देंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये देख सकते जुड़ गई है। फिर हम लेंगे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, ये आपको लोकल मार्केट में मिलेगा, शायद मिलेगा, मेरे यहाँ पे मार्केट में मिलता है। फिर हम लेंगे 3.7 वोल्ट की बैटरी, ये देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर दो अंदर प्लस माइनस गिवन होते हैं, वहाँ से बैटरी बहुत आसानी तरीके से चार्ज करता है और बिल्कुल भी ओवर चार्जिंग में नहीं जाता। माइनस पे माइनस जोड़ देंगे और प्लस पे प्लस जोड़ देंगे दोस्तों, बहुत ईजी कनेक्शन है। और इस वीडियो में मैंने बहुत आसानी तरीके से आपको बताया स्पीकर किस तरह से बनता है, आपने घर पर प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बनाना दोस्तों। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, जो भी अपना भाई अभी तक वीडियो देख रहा है प्लीज़ यार एंड तक देखना वीडियो को। फिर हम लेंगे एक चार्जिंग जैक, जो अलग से मतलब इस चार्जिंग जैक मतलब अलग से यहाँ पे हम केबल लगाएंगे और अच्छी तरह चार्ज कर देगा दोस्तों। ये मेरे को 5 रुपये का मार्केट से मिला है, आपको कितने का मिलता है वो उसके हिसाब से, मतलब हर जगह हर रेट अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको हम आसानी तरीके से जोड़ देंगे, ये देख सकते हैं हमने जोड़ दिया है। फिर एम्पलीफायर में आपको याद होगा दोस्तों हमने दो वायर एक्स्ट्रा निकाली थी, वो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मैं बताता हूँ कहाँ पर लगानी है। ये बटन पे लगानी है हमें, ये एस्पेशी स्विच कहते हैं, ऑन ऑफ स्विच, आप कोई सभी स्विच यूज़ कर सकते हो। मैंने मिनी स्विच यूज़ करा है, ये देख सकते हैं जो हमने एम्पलीफायर में से दो वायर अलग से निकाली थी, एक स्विच पे लगा देंगे। फिर एक जो ऊपर वाला टर्मिनल बचा है वहाँ पे एक वायर लगा के फिर एक एम्पलीफायर की और स्विच की एक्स्ट्रा वायर निकल के वह चार्जिंग मॉड्यूल पर लग जाएगी। ये जैसे देख सकते हैं हमने वायर ले ली है, इसको हम एम्पलीफायर में मतलब एक एम्पलीफायर की और एक स्विच की वायर निकल जाएगी, ये दोनों वायर निकलेगी, अभी चार्जिंग मॉड्यूल पे बहुत आसानी तरीके से लग जाएगी दोस्तों। और फुल टेस्टिंग बताइए तो किस तरह से बनाया है स्पीकर, ये देख सकते हैं। और अब हम लेंगे रेड और ग्रीन लाइट, क्योंकि दोस्तों जब हम चार्ज करेंगे तो ये ओवर चार्ज नहीं होएगा, पर ज़्यादा देर तक नहीं चार्ज करनी होती बैटरी, हमें कैसे पता लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर रेड और ग्रीन लाइट लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर दो LED ग्लो होती है, वहीं पे हमें प्लस और माइनस की ग्रीन और रेड लाइट जोड़नी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से कनेक्शन हो जाएंगे, पर जब हम ये लाइट लगा रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल है, जब ये चार्ज हो रहा होगा जब रेड लाइट ग्लो होएगी और जब फुल चार्ज हो जाएगा ग्रीन लाइट ग्लो होएगी, बहुत अच्छा है दोस्तों। ये आप ज़रूर करना, वरना ये ओवर चार्जिंग में तो नहीं जाएगा और जब आप चार्ज करते रहोगे आपको पता नहीं लगेगा, फिर ओवर चार्जिंग में नहीं जाएगा, बैटरी ख़राब हो सकती है दोस्तों इससे। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पूरा बन गया है और 5K की मदद से पूरा बुक जोड़ देंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, हम आपकी इसकी टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं फुल अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हमने स्पीकर बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका बटन ऑन कर रखा है हमने, अभी ऑफ़ कर देते हैं ये बटन।
ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया दोस्तों। अब हम फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे, ब्लूटूथ ये ऑन कर लिया और ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टेड, कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब हम आपको गाने चला के दिखा देते हैं। Do you give up hope to